गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं हूं पवन सर और आज हम क्लास 12th के बच्चों को बालाजी पब्लिकेशन बुक के एक्सरसाइज नंबर 8.5 के शेष प्रश्नों को हल करना बताएंगे। पिछले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 to 6 कवर किए थे, आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 से आगे कवर करने का प्रयास करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 जैसे क्वेश्चन नंबर 1 to 6 लगा है, सेम वैसे ही है, एकदम सेम उसी तरह से लगाना है। इस क्वेश्चन में ये जो दिया हुआ है, फंक्शन दिया गया है, इसको पहले y के बराबर सपोज करेंगे। लिखेंगे लेट y इज इक्वल टू cos स्क्वायर x होल टू द पावर 1/x। अब इसके बाद से क्या करेंगे, लाग लेंगे। तो लिखेंगे टेकिंग लॉग बोथ साइड वी गेट, तो लॉग लेंगे तो यह हो जाएगा लॉग वाई। और प्यारे बच्चों, लॉग अब आप लोग बहुत जगह ले चुके हैं, इसलिए इसको लिख देंगे हाफ लॉग कॉस स्क्वायर एक्स। यहाँ पर लिखेंगे लॉग एम पावर एन इज इक्वल टू एन लॉग यम। तो यहां पर देखें एक बार और यह फार्मूला लग सकता है, लॉग वाई इज इक्वल टू 2/x लॉग कॉस स्क्वायर कॉस एक्स, क्योंकि कॉस स्क्वायर एक्स बराबर, प्यारे बच्चों आप लोग जानते हैं, कॉस एक्स का होल स्क्वायर होता है। अब हमको क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है इसको। डिफरेंशिएटिंग डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट, यह हो जाएगा लॉग के लिए डिफरेंशिएट करेंगे 1/y हो जाएगा, फिर dy/dx हो जाएगा, और यह 2 पहले हो जाएगा, और यह न्यूमरेटर और यह डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर डिनोमिनेटर इंटू न्यूमरेटर d/dx ऑफ लॉग कॉस एक्स माइनस न्यूमरेटर लॉग कॉस एक्स इंटू d/dx ऑफ एक्स। अब इसके बाद से हमको वाई राइट साइड में जाना है, तो dy/dx इज इक्वल टू 2y या एक्स, इस पूरे फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे तो लॉग के लिए करेंगे तो 1/cos x, और cos x का डिफरेंशिएशन होता है sin x, माइनस लॉग cos x इंटू x का x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन 1 होता है बाई एक्स स्क्वायर। अब देख रहे हैं माइनस यहाँ भी है, माइनस यहाँ भी है, अब 2। अब इसके बाद से क्या करेंगे, y का मान रखेंगे, y का मान है यहाँ पर cos स्क्वायर x होल टू द पावर 1/x। अब यहाँ पर देखें माइनस तो कॉमन हो चुका है, यहाँ से x बचेगा और साइन बटे cos tan x, माइनस 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 प्लस हो जाएगा, माइनस कॉमन ले लिया गया है लॉग cos x, यही हमारा आंसर हो जाएगा। सिंपल प्रोसेस है, जैसे पहला सवाल लगा है सेम उसी तरह से दूसरा सवाल लगा है, आराम से लगाते जाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्यारे बच्चों। अब क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है एक्स टू द पावर साइन एक्स प्लस ए पावर साइन एक्स। अब इसको हमको डिफरेंशिएट करना है, तो यह कैसे डिफरेंशिएट होगा, जैसे पिछले वाले को किए थे उसी तरह से करेंगे, लेकिन लॉग यहाँ पर नहीं लिया जाएगा। पिछले वीडियो में जब हम शुरुआत में बताए थे क्वेश्चन कैसे कैसे आएगा, तो उसमें इसका हम जिक्र किए थे, तो पिछले वीडियो को आप लोग देख लें। और प्यारे बच्चों, यह क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि पिछले वाले जो सवाल हैं उसको तो थोड़ा सा भी जानेंगे आप, थोड़ा सा भी प्रोसेस मालूम है तो बहुत आराम से कर लेंगे, लेकिन ये ऐसा सवाल आएगा तो फंसने का चांस है, तो ध्यान से देखेंगे क्या कैसे लग रहा है।
तो इसको भी पहले y के बराबर मानेंगे, लेट y इज इक्वल टू x टू दी पावर साइन x प्लस a टू दी पावर साइन x। अब इसके बाद से क्या करेंगे, इसको y के बराबर मान लेंगे, फिर इसको और इसको एक दूसरा चर मानेंगे। तो y1 y2 मान सकते हैं, u भी मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं, तो हम u भी मानेंगे। फिर लेट u इज इक्वल टू x टू द पावर साइन x और v इज इक्वल टू a टू द पावर साइन x। तो यह क्या हो जाएगा, देन y इज इक्वल टू u प्लस v। अब हमको dy वाई बाई डी एक्स निकालना है, तो क्या करें, डिफ्रेंशिएट कर दें, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, तो यहाँ से आ जाएगा dy वाई बाई डी एक्स और यहाँ से आ जाएगा du यू बाई डी एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स, ये इतना आ जाएगा। इसको इक्वेशन वन मान लेंगे। अब हम क्या करेंगे, इस u को और इस v को जैसे क्वेश्चन नंबर 1 to 7 सॉल्व किए हैं उसी तरह से सॉल्व करेंगे और इसमें रखेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, नाउ अब इसको लेके चलेंगे u इक्वल टू x टू द पावर साइन है। अब इसको सॉल्व करने के लिए, इसको डिफरेंशिएट करने के लिए लाग लेना पड़ेगा, टेकिंग लॉग बोथ साइड वी गेट। यह हो जाएगा, लॉग लेंगे तो अब लॉग लिया जाएगा तो यह क्या हो जाएगा, लॉग u इज इक्वल टू साइन x लॉग x, लॉग m पावर n इज इक्वल टू n लॉग n। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट, यह क्या हो जाएगा, वन बाई यू डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेकेंड फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तो यह डी बाई डी एक्स आप फर्स्ट इंटू सेकेंड, तो यह क्या हो जाएगा, सेकेंड इंटू डी बाई डी एक्स आप फर्स्ट प्लस फर्स्ट इंटू डी बाई डी एक्स आप सेकेंड फंक्शन, इस तरह से होता है। इसी तरह से डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो सेकेंड फंक्शन डिफरेंशिएशन साइन एक्स का होता है कॉस एक्स प्लस साइन एक्स और लॉग एक्स का डिफरेंशिएट करेंगे तो वन बाई एक्स हो जाएगा। अब इस वन बाई यू को ले जाएं राइट साइड में, तो यह हो जाएगा डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू यू कॉस एक्स लॉग एक्स प्लस साइन एक्स बटे एक्स। अब हम लोगों को क्या करना है, इस यू का मान रखना पड़ेगा, तो कैसे रखाएगा, डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू यू का मान है एक्स टू द पावर साइन एक्स, कॉस एक्स लॉग एक्स प्लस साइन एक्स बटे एक्स। अब इसके बाद से इसको यहीं पर छोड़ दिया जाएगा। अब इसके बाद से क्या करेंगे, इस भी वाले को लेके चलेंगे, इसी तरह से डिफरेंशिएट करेंगे, v इज इक्वल टू ए टू द पावर
साइन एक्स, तो लॉग ले लेंगे, टेकिंग लॉग बोथ साइड, यह हो जाएगा लॉग भी साइन एक्स लॉग ए, डिफरेंशिएट कर देंगे, या लॉग एन पावर एन का फॉर्मूला लगाया यहाँ पर, वन बाई भी डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये तो कांस्टेंट है, साइन का कास हो जाएगा लॉग ए कास एक्स। अब हम लोग क्या करेंगे, डी वी बाई डी एक्स निकालेंगे, डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू भी लॉग ए कास एक्स, डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू भी की जगह पर ए टू द पावर साइन एक्स, साइन एक्स लॉग ए कास एक्स। अब हम क्या करेंगे, डी वी बाई डी एक्स और डी वी बाई डी एक्स का मान एक में पुट करेंगे, ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ डी यू बाई डी एक्स एंड डी वी बाई डी एक्स इन इक्वेशन वन, वी गेट क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी यू बाई डी एक्स का वैल्यू एक्स टू द पावर साइन एक्स कास एक्स लॉग एक्स प्लस साइन एक्स बटे एक्स प्लस ए टू दी पावर साइन एक्स लॉग ए कास एक्स, यही हमारा आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चों, पहले ही कहा गया है कि यह कॉम्पिटिटिव दृष्टिकोण से बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो इसको बहुत ध्यानपूर्वक सावधानीपूर्वक लगाएंगे, और इसको लगाने का शॉर्टकट यही है कि इसको वाई को वाई ले लें और इसके पहले लाग समझ करके इसको डिफरेंशिएट करें, इसके पहले लाग और इसके पहले लाग लेकर के समझ करके डिफरेंशिएट करेंगे, तो यह एक दो लाइन में भी आंसर आ जाएगा, तो बहुत सावधानी पूर्वक लगाएंगे। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है एक्स टू द पावर वन बाई एक्स प्लस ए टू द पावर वन बाई एक्स, इसको क्या करना है, एक्स के सापेक्ष डिफरेंशिएट करना है, तो क्या करेंगे, जैसे आठवां सवाल लगाएं उसी तरह से लगाएंगे, पहले इसको y के बराबर सपोज करेंगे, तो लेट y इज इक्वल टू x टू द पावर वन बाई एक्स प्लस ए टू द पावर वन बाई एक्स, यहाँ से y बराबर हो जाएगा u प्लस e, वेयर u इज इक्वल टू एक्स टू द पावर वन बाई एक्स और v इज इक्वल टू ए टू द पावर वन बाई एक्स। अब हमको dy वाई बाई डी एक्स चाहिए, तो x के साथ डिफरेंशिएट कर लें, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x v गेट, इसको साइड में लिख देंगे इस तरह से, यह हो जाएगा dy वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी यू बटे डी एक्स प्लस डी वी बटे डी एक्स, इसको इसमें समान कर देंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको लेके चलेंगे, नाउ यू इज इक्वल टू एक्स टू द पावर वन बाई एक्स। अब इसका तो जैसे क्वेश्चन नंबर 1-6 किए हैं सेम वैसे ही कर देंगे तीसरे। अब जो लोग इस वीडियो को, इसके पहले वाला वीडियो नहीं देखे हैं, वह लोग क्या करें, क्वेश्चन नंबर 1-6 के लिए इसका पिछला वीडियो देख लें, वह भी इम्पॉर्टेंट है, और जो लोग देख लिए हैं उनका रिवीजन हो जाएगा। तो अब यहाँ से टेकिंग लॉग बोथ साइड,
गेट, तो यह हो जाएगा लॉग यू इज इक्वल टू वन बाई एक्स लॉग एक्स, लॉग एम पावर एन लिख देंगे यहाँ पर, लॉग एम पावर एन इज इक्वल टू एन लॉग एम। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट, यह हो जाएगा वन बाई यू डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू, डिफरेंशिएट करेंगे इसको तो लॉग एक्स, और इसको डिफरेंशिएट करेंगे वन बाई एक्स को तो यह हो जाएगा माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स इंटू वन बाई एक्स। अब यहाँ पर देख लें, इसको डिफरेंशिएट करके देख लेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ वन बाई एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स पर माइनस वन, अंश में ऊपर ले जाते हैं और इसका माइनस वन एक्स पर माइनस टू इज इक्वल टू माइनस वन बटे एक्स स्क्वायर, वही लिखा गया है। तो इस तरह का डिफरेंशिएशन आप लोग बहुत ज़्यादा पिछले क्लास में भी कर चुके हैं, इसलिए अब थोड़ा सा जल्दी जल्दी करने का प्रयास करेंगे। तो डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई को ले जाएंगे राइट साइड, और यहाँ से देखा क्या आ रहा है, माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर लॉग एक्स प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर देखते हैं यू का वैल्यू पुट करेंगे, यू का वैल्यू है एक्स टू द पावर वन बाई एक्स, और यहाँ पर वन बाई एक्स स्क्वायर कॉमन है, एक्स टू द पावर वन बाई एक्स बटा एक्स स्क्वायर, यहाँ से वन बचेगा माइनस लॉग एक्स बचेगा। अब क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, नाउ वी इज इक्वल टू ए टू द पावर एक्स, ए टू द पावर वन बाई एक्स, डिफरेंशिएट करेंगे इसको, अब इसके बाद से डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू ए टू द पावर वन बाई एक्स लॉग ए बेस ई। अब क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो यह डी बाई डी एक्स ऑफ वन बाई एक्स, तो यह क्या हो जाएगा, ए टू द पावर वन बाई एक्स लॉग ए बेस ई, और इसका होगा वन माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर। अब इसका वैल्यू पुट कर दें, अब इसको सीरियल से लिख दें, माइनस ए टू द पावर वन बाई एक्स बटे एक्स स्क्वायर लॉग ए बेस ई। अब डी यू बाई डी एक्स और डी यू बाई डी एक्स का वैल्यू इक्वेशन वन में पुट कर दें, आई एम पुटिंग वैल्यू ऑफ डी यू बाई डी एक्स एंड डी वी बाई डी एक्स इन इक्वेशन वन, वी गेट डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स टू द पावर वन बाई एक्स बटे एक्स स्क्वायर वन माइनस लॉग एक्स प्लस माइनस ए टू द पावर वन बाई एक्स बटे एक्स स्क्वायर लॉग ए बेस ई। तब देख रहे हैं वन बाई एक्स स्क्वायर कॉमन है, कॉमन ले लीजिए, एक्स टू द पावर वन बाई एक्स वन माइनस लॉग एक्स, और यहाँ पर देख रहे हैं यह माइनस है, तो माइनस ए टू द पावर वन बाई एक्स लॉग ए बेस ई, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है वाई इक्वल टू एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू एक्स माइनस थ्री, इसको लॉग लेकर भी कर सकते हैं और बिना लॉग लिए भी कर सकते हैं। तो लॉग लेके करेंगे तो फ्रैक्शन के रूप में आंसर आएगा, फिर उसको ऐड करना पड़ेगा, और इसको गुणा करके कर दें तो आसानी से हो जाएगा।
तो गुणा करेंगे, इन दोनों का गुणा करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस एक्स और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस टू एक्स माइनस थ्री। अब इसका गुणा इसमें करना है तो पहले इसको सरल कर लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू एक्स माइनस थ्री। अब गुणा करते हैं, इसका गुणा इसमें एक्स क्यूब, फिर इसका गुणा यहाँ पर करेंगे तो थ्री एक्स स्क्वायर, फिर इसका गुणा यहाँ पर करेंगे तो माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस नौ एक्स प्लस टू एक्स और माइनस सिक्स। तो यह हो जाएगा, इसको थोड़ा सा और सरल करें, एक्स क्यूब माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस इलेवन एक्स माइनस सिक्स, वाई इक्वल टू इतना हो गया। अब इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं बहुत आसानी से, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट, यह हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स थ्री एक्स स्क्वायर माइनस ट्वेल्व एक्स प्लस इलेवन, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर इलेवन में कह रहा इसको डिफरेंशिएट करना है, तो क्या करेंगे, y के इक्वल में सपोज कर लेंगे y बरा इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन अपान एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, लाग लेना प्यारे बच्चों। इस क्वेश्चन को हम लोग शुरू में लगा चुके हैं, बहुत बड़ा हुआ था, अब इसको देखें छोटे में लग जाएगा, तो हम कहे थे कि इसको छोटे में लगाया जा सकता है, तो यह हो जाएगा लाग वाई बराबर लाग एक्स स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन बटे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन पूरे पर एक बटे दो घर, इसको लिख दिया जाएगा एक बटे दो, इसको ऐसे लिख दें और लाग लिया जाएगा तो एक बटे दो हो जाएगा, तो एक बटे दो पहले आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन बटे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन। अब यहाँ पर एक फार्मूला और लग जाएगा लाग एम बाई एम का, तो हाफ लाग एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन माइनस लाग एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, और यहाँ पर फार्मूला लगा रहे हैं लाग एम बाई एम का, यह होता है लाग एम माइनस एम लाग वाई। अब डिफरेंशिएट कर दें, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट, या वन बाई वाई हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, एक बटे दो पहले हो जाएगा और एक बटे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, और इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा टू एक्स प्लस वन माइनस, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो बटे में आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, और इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो टू एक्स माइनस वन। फिर हमको y का मान निकालना है, डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, इस y को ले जाएंगे इधर, यहाँ पर y को ट्रांसफर कर देंगे और यह इतना बच जाएगा। अब इसके बाद से क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, तो यह y बाई टू इसका गुणा इधर इसका गुणा इधर, तो टू एक्स प्लस वन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन माइनस टू एक्स माइनस वन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, और इसको लिख दें एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन माइनस एक्स, और इसको लिख दें एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ पर यह प्लस एक्स है, इसको इसके साथ प्लस वन माइनस एक्स। अब इसके बाद से जहाँ पर गुणा होने वाला है गुणा करना है, वाई बाई टू टू एक्स क्यूब माइनस टू एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स, वन से गुणा करेंगे तो प्लस एक्स स्क्वायर
माइनस एक्स प्लस वन। अब यहाँ पर माइनस है तो टू एक्स क्यूब प्लस टू एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स, माइनस वन से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस एक्स माइनस वन, और यह हो जाएगा प्लस बी माइनस बी, एक्स स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा देंगे। अब वाई बाई टू ब्रैकेट, इसको सरल करें, टू एक्स क्यूब माइनस टू एक्स स्क्वायर, यहाँ से दोनों सरल होगा, टू एक एक्स स्क्वायर घट जाएगा और यहाँ से एक एक्स घट जाएगा तो प्लस एक्स प्लस वन बचेगा, और यहाँ से ब्रैकेट तोड़ेंगे तो माइनस टू एक्स क्यूब माइनस टू एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस प्लस एक्स प्लस वन। और यहाँ पर क्या करें, ए प्लस बी का होल स्क्वायर रहते हैं, एक्स पावर फोर प्लस टू एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस एक्स स्क्वायर, तो टू एक्स क्यूब से टू एक्स क्यूब कट जाएगा, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा। अब जो बच रहा है उसको लिख दें, तो वाई बाई टू एक्स प्लस एक्स और ये माइनस टू एक्स कट जाएगा। अब बचेगा क्या, वन वन टू बच जाएगा, माइनस टू एक्स स्क्वायर बच जाएगा, और यहाँ से एक्स पावर फोर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वन। अब क्या करें, यहाँ से देखें दो कामन ले लें तो टू वाई बाई टू वन माइनस एक्स स्क्वायर बटे एक्स पावर फोर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वन। अब इसके बाद से दो कट जाएगा, वाई का मान रख दें, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन बटे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, वन माइनस एक्स स्क्वायर एक्स पावर फोर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वन, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, सवाल थोड़ा सा लंबा है, इसको बहुत केयरफुली लगाएंगे। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 12 कर रहा है एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी अपान रूट ओवर एक्स एक्स माइनस सी। इसको क्या करेंगे, वाई के इक्वल लेट सपोज कर लेंगे, लेट वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी अपान रूट ओवर एक्स माइनस सी। अब यहाँ पर गुणा भाग, गुणा और भाग दोनों है, इसलिए यहाँ पर लाग लेकर के लगाएंगे, बहुत आसानी से लगेगा। टेकिंग लाग बोथ साइड वी गेट, यह क्या क्या हो जाएगा, लाग वाई इज इक्वल टू लाग एक्स माइनस ए प्लस लाग एक्स माइनस बी माइनस लाग एक्स माइनस सी पर एक बटे दो। इसको लिख सकते हैं एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी बटे एक्स माइनस सी पर एक बटे दो, ऐसे हो जाएगा। एक लाइन थोड़ा सा और सरल कर रहे हैं, इसको इधर लिख दें, लाग वाई बराबर लाग एक्स माइनस ए प्लस लाग एक्स माइनस बी माइनस हाफ लाग एक्स माइनस सी। डिफरेंशिएट कर रहे हैं, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट, यह क्या हो जाएगा, एक बटे वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इसका हो जाएगा वन बटे एक्स माइनस ए वन माइनस जीरो, इसको फिर से एक्स माइनस ए को डिफरेंशिएट करेंगे तो वन माइनस जीरो हो जाएगा, प्लस एक्स माइनस बी वन माइनस जीरो माइनस एक बटे दो एक्स माइनस सी वन माइनस जीरो। वाई को ले जाएं इस साइड तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा वाई एक बटे एक्स माइनस ए प्लस एक बटे एक्स माइनस बी माइनस एक बटे टू एक्स माइनस सी। डी वाई बाई डी एक्स, वाई का मान रख दें बटे रूट ओवर एक्स माइनस सी, एक बटे एक्स माइनस ए प्लस एक बटे एक्स माइनस बी
माइनस एक बटे दो एक्स माइनस सी, ये जो आएगा यही हमारा आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चों, इसमें जितने सवाल हैं लगभग एक ही तरह से हैं, इसलिए इसको बहुत केयरफुली लगाएंगे और ध्यान से समझेंगे। अगले वीडियो में हम लोग से इस प्रश्नों को हल करेंगे। थैंक्स, हैव ए नाइस डे। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है, वन प्लस कॉस एक्स होल टू द पावर एक्स, इसको क्या करना है, एक्स के सापेक्ष डिफरेंशिएट करना है। तो जैसे क्वेश्चन नंबर 1, 2, 6, 7 लगाए हैं उसी तरह से लगेगा। वाई के इक्वल में सपोज करेंगे, लेट y इज इक्वल टू 1 प्लस cos x होल टू द पावर x। अब इसका लॉग ले लेंगे, टेकिंग लॉग बोथ साइड, वी गेट लॉग y इज इक्वल टू x लॉग 1 प्लस cos x। अब हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट, यह हो जाएगा 1 बाई y dy बाई dx। और x का अब इसको फर्स्ट फंक्शन एंड टू सेकेंड फंक्शन, यह होता है सेकेंड इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट प्लस फर्स्ट इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड। अब क्या करें, तो लॉग वन प्लस कॉस एक्स इंटू एक्स का करेंगे तो वन हो जाएगा, और प्लस एक्स, इसको थोड़ा सा इरेज कर दें, इसका लाग से करेंगे तो वन बाई वन प्लस कॉस एक्स हो जाएगा, और वन प्लस कॉस एक्स का जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो जीरो माइनस साइन एक्स हो जाएगा। वन का जीरो और कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स। वाई को ले जाए राइट साइड, तो यह हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई लाग वन प्लस कॉस एक्स, प्लस माइनस का बोला माइनस, यहाँ से एक्स बचेगा, एक्स साइन एक्स बटे वन प्लस कॉस एक्स, यहाँ से वाई का वैल्यू रख देंगे वन प्लस कॉस एक्स होल टू द पावर एक्स, यहाँ से हो जाएगा लॉग वन प्लस कॉस एक्स माइनस एक्स साइन एक्स बटे वन प्लस कॉस एक्स, यही हमारा आंसर हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको क्या करेंगे, वाई के इक्वल में सपोज कर लेंगे साइन एक्स साइन टू एक्स साइन थ्री एक्स साइन फोर एक्स। अब इसके बाद से क्या करेंगे, लॉग ले लेंगे, टेकिंग लॉग बोथ साइड, यह हो जाएगा लॉग वाई इज इक्वल टू लॉग साइन साइन एक्स साइन टू एक्स साइन थ्री एक्स और साइन फोर एक्स, यह हो जाएगा लॉग वाई, और यहाँ पर हो जाएगा लॉग साइन एक्स प्लस लॉग साइन टू एक्स प्लस लॉग साइन थ्री एक्स प्लस लॉग साइन फोर एक्स। अब डिफरेंशिएट करते हैं, फार्मूला कौन सा लगा है, लॉग पी क्यू आर एस बराबर, यह होता है लॉग पी प्लस लॉग क्यू प्लस लॉग आर प्लस
लॉग, यस लॉग एम एन वाला होता है, लेकिन सवाल को आसानी से सॉल्व करने के लिए जब हम लोग आप लोग नाइन्थ में पढ़ रहे थे तो हम यह फार्मूला भी पढ़ा दिए थे, इसका भी डेरिवेशन पढ़ा दिए थे। इतना जानना चाहिए यदि लॉग के रूप में किसी फंक्शन का लॉग लिया जा रहा है, वह चाहे कितने भी व्यंजकों के फंक्शन के गुणनफल के रूप में है, सबका लॉग लेकर के सेपरेट सेपरेट ऐड कर दिया जाता है। अब इसके बाद से डिफरेंशिएट करेंगे इसको, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट या वन बाई वाई हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, और यह क्या हो जाएगा वन बाई साइन एक्स, साइन का होता है कॉस एक्स, और यह वन बाई साइन टू एक्स और साइन का कॉस टू एक्स, और फिर से इस 2x का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा वह 2 हो जाएगा, प्लस इसी तरह से 1 बाई साइन 3x, साइन 3x का हो जाएगा cos 3x इंटू 3 प्लस 1 बाई साइन 4x इंटू कास 4x इंटू 4। अब वाई को ले जाए राइट साइड, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई कास बटे साइन काट एक्स, और यह 2 पहले आ जाएगा, यह काट 2x प्लस यह 3 काट 3x प्लस 4 काट 4x इतना हो जाएगा। अब वाई की वैल्यू पुट कर दूं, साइन एक्स साइन टू एक्स साइन थ्री एक्स साइन फोर एक्स, और यह वैल्यू पूरा इसी तरह से उतारेंगे, काट एक्स प्लस टू काट टू एक्स प्लस थ्री काट 3x प्लस 4 काट 4x, यही हमारा आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चों, इस एक्सरसाइज के शेष प्रश्नों को हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।